आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद का विवादित बयान, टीका लगाने वालों ने देश को गुलाम बनाया है, ये जगदानंद कह रहे हैं। तो एक बार फिर यहां पर यह नया विवाद शुरू हो गया जिसमें जगदानंद कह रहे हैं कि जो टीका लगाने वाले हैं उन्होंने देश को गुलाम बनाया है। एक तरफ उदय निधि का बयान सामने आया था जिसमें इन्होंने सनातन धर्म पे टिप्पणी की थी, हालांकि अब सफाई देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बिहार के बड़े नेता आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सामने आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि टीका लगाकर ये घूमने वालों ने देश को गुलाम बनाया है। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी आ गया है। जगदानंद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सत्ता के लिए धर्म बेचने वालों ने गुलाम बनाया है, नकली जनेऊ पहनने वालों ने देश को गुलाम बनाया है। तो पलटवार और वार यहां पर देखने को मिल रहा है। सरकारों ने चाहे आस्था की जो धर्म उसी को व्यवस्था बनाने चलोगे और गांव की व्यवस्था हो जाएगी तो करोड़ों करोड़ों लोगों का ये भारत के पीछे चला जाएगा। पूछो मनमो से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कोई कोई था? सब जो बोल रहे हैं सोची समझी रणनीति के तहत बोल रहे हैं। सोची समझी रणनीति है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को खत्म करने की बात करो, क्योंकि हिंदू तो वोट बैंक नहीं समझते, मुस्लिम वोट बैंक है। आज अगर हिम्मत हो तो मुसलमानों पर कोई बोल के देख ले कि मुस्लिम धर्म को खत्म कर देंगे, अगर है इनमें ताकत। अगर बोल दिए होते तो आज देश में सड़क पे पूरे देश में आग लग गया होता। हमारे सहिष्णुता को चैलेंज कर रहे हैं सनातन के हिंदू के, लेकिन भूले नहीं आने वाले दिन में सनातन के ताप से ये लोग खुद खत्म हो जाएंगे।